नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नसलागंज के एक कृषि उपज मंडी में विगत दिनों दो व्यापारियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसके बाद अब मंडी प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एक व्यापारी का लाइसेंस निरस्त किया है। दरअसल नसलागंज नगर के कृषि उपज मंडी में नीलामी के दौरान दो व्यापारियों को आपसी रंजिश के चलते मंडी में काफी कहासुनी हुई, जिसमें अपशब्दों का प्रयोग किया गया। सूचना मिलने के बाद मंडी प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे माहौल को शांत कराया। हालांकि इस पूरे मामले पर मंडी प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए श्री भोला ट्रेडर्स का लाइसेंस निरस्त किया गया है। नसलागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। दिनांक 21 फरवरी को मंडी में नीलाम के दौरान सूचना मिली थी कि दो व्यापारियों में विवाद हुआ है, तो तत्काल मंडी कर्मचारियों ने उस विवाद को शांत किया था। लेकिन दूसरी बार पुनः एक विवाद फिर से हुआ, तो नीलाम को आधा घंटा पहले बंद करना पड़ा। तो उस चीज को संज्ञान में लेकर तुरंत जो मंडी में नीलाम कर्मचारी रहते हैं उनसे प्रतिवेदन लिया गया, उनके कथन लिए गए और उस पूरे प्रकरण की जांच की गई। कथन के अलावा उपस्थित लोगों से भी पूछताछ की गई और मंडी के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सभी जगह, उनके फुटेज भी देखे गए। तो उसमें दो व्यापारियों के मध्य बिना किसी तत्कालिक कारण के, किसी उनके पूर्व आपसी विवाद के ऊपर वहां नीलाम स्थल पर कहासुनी हुई थी। लेकिन उसमें जो जांच की गई, उस समय पाया गया कि जिस व्यापारी द्वारा विवाद का प्रारंभ किया गया था और समझाने के बावजूद पुनः वापस आकर फिर से विवाद किया गया, तो उसमें उन सीसीटीवी फुटेज और पूरी जांच के आधार पर विवाद के लिए दोषिता का निर्धारण किया गया और दोषी फर्म भोला ट्रेडर्स का लाइसेंस निरस्त किया गया है कल ही भार साधक समिति की बैठक में। और आगे भी जो मंडी में नीलाम कार्य बाधित करेगा या मंडी की में अनुशासन या नियम से बाहर कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।